हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज मैं मालपुए की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको मैं मैदे से बना रही हूं। वैसे तो मालपुआ गेहूं के आटे से या फिर केले से भी बनाया जाता है, पर मैं आज मैदे से बनाऊंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और आप इस मालपुए को किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, तो आप इसको दिवाली पर भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है मालपुआ। मालपुआ बनाने के लिए एक बाउल में एक कप मैदा, एक कप मैदा के साथ जाएगा आधा कप सूजी। मैदा और सूजी छान कर लेना है। अब आप इसमें डाल दीजिए 1/4 कप पाउडर शुगर या फिर शुगर। तो यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच के करीब सौंफ पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं, बस शुगर को मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ आधा कप उबला हुआ दूध। दूध को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, तो हम दो बार दूध को डालेंगे। पहले मैंने आधा डाला है, उसको अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं सारा दूध डाल देती हूँ, एक साथ सारा दूध नहीं डालना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। ऐसा करने से इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहता है। तो ये देखिए हमारा जो अच्छे से मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने उसी कप में पानी लिया है जिसमें दूध लिया था, तो आधा कप में पानी ले रही हूँ और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी रखनी है वो फ्लोइंग रखनी है। इस बैटर को ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। तो ये हमारा बैटर तैयार है और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें जो हमारा पानी का यूज़ हुआ है, तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया था जिसमें से आधा हमारा पानी बच गया है। तो ये हमारा बैटर तैयार है और ये हमारा पानी बच गया है। इसको अब हमें 5 मिनट के लिए फेंटना है विस्कर की हेल्प से। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए फेंट लेती हूँ ताकि जो हमारा बैटर है वो स्मूथ हो जाए, मालपुआ हमारा सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट तक हमने इस मिक्सचर को फेंट लिया है। इसको हम रख देते हैं प्लेट से ढककर आधा घंटे के लिए और अपनी चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक भगोने में हमें 1 कप चीनी लेनी है, 1 कप चीनी के साथ हमें आधा कप पानी लेना है। गैस का फ्लेम अभी मैंने हाई रखा है, चलाते हुए चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे। और इस चीनी को डिज़ोल्व करने के बाद में हमें इस चाशनी को एक तार की या फिर दो तार की नहीं बनाना है, सिर्फ 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस चाशनी को हमें पकाना है। तो यहाँ पर देखिए जो चीनी हमारी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, अब गैस का फ्लेम मैं मीडियम कर देती हूँ और इस चाशनी को 10 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी 10 मिनट बाद गाढ़ी हो गई है और चाशनी तैयार है। तो गैस ऑफ कर देते हैं और इसको एक तरफ रख देते हैं और अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बैटर था वो आधा घंटा हमने रखा है और जो बैटर के अंदर सूजी थी वो फूल गई है। बैटर हमारा स्मूथ हो गया है, बहुत अच्छा हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब मालपुआ बनाने के लिए हमारा बैटर तैयार है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, आपको जब भी मालपुआ बनाना है तो आप फ्लैट बर्तन में ही फ्राई कीजिएगा। कढ़ाई में आप फ्राई नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाती है थोड़ी। तो फ्लैट बर्तन में ही आप ऑयल को गर्म कीजिए। तो हाई फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म किया है। एक स्पैचुला में थोड़ा सा बैटर लेके आप इस तरीके से डालिएगा तो अपने आप ही ये बैटर फैल जाता है। ये देख सकते हैं आपके ऊपर है, आप एक पैन में कितना बना सकते हैं, कितने मालपुए को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो पहले मैंने एक बनाकर देखा, दूसरा भी मैंने इस तरीके से मालपुआ बना लिया है। गोल्डन कलर देना है हमें, तो बहुत ही सावधानी से हमें इस मालपुए को बनाना होगा। और ये देखिए गोल्डन कलर हमारा तैयार है मालपुए के अंदर, तो ऐसे ही हमें कलर चाहिए। तो ये हमारे दोनों मालपुए बिल्कुल तैयार है। आप इस स्पैचुला से दबा दबा कर इनको फुला भी सकते हैं। ये देखिए ये फूल गया है और गैस का फ्लेम हमारा, जब आप इनको फ्राई करें तो मीडियम कर लें, मीडियम फ्लेम पर बनाएं। तो यहाँ पर देखिए गरम चाशनी में इन मालपुए को डालना है ताकि मालपुआ चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें। तो इसी तरीके से हमें सभी मालपुए बनाकर तैयार करने हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दूसरा मालपुआ भी इसी तरीके से हम हल्की गर्म चाशनी में डालेंगे
और तुरंत ही बाहर निकाल लेंगे। और बाकी के सभी मालपुए हमें इसी तरीके से तैयार करने हैं, बहुत ही सेफ्टी के साथ डालिएगा। तो मैं यहाँ पर अब की बार 3 मालपुए फ्राई करूँगी और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है जब आप इनको फ्राई करें। तो इसी तरीके से आप किसी भी फेस्टिवल पर ये मालपुए घर में ही बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फेस्टिवल पर बना सकते हैं या फिर कोई गेस्ट आए तब बना सकते हैं, कभी मीठा खाने का मन हो तब बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी मालपुए हमारे तैयार है। आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं कटे हुए बादाम से या फिर कटे हुए पिस्ता से। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी बताइएगा ज़रूर। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।